लोकसभा चुनावों के बाद यह पहला मौका है जब ये दोनों राजनीतिक दल चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिन 3 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उनमें से एक पर तृणमूल कांग्रेस, दूसरे पर भाजपा और तीसरे पर कांग्रेस का कब्जा था। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के 18 सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली भाजपा और प्रदेश की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल की 3 सीटों पर हो रहा उपचुनाव अग्नि परीक्षा जैसा हो सकता है। आम चुनाव के बाद यह उपचुनाव राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा की पहली परीक्षा है। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें पश्चिम मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर, नदिया जिले की करीमपुर और उत्तर दिनाजपुर की कालियागंज सीटें शामिल हैं। कालियागंज सीट कांग्रेस विधायक प्रमथ नाथ राय के निधन से खाली हुई है, जबकि खड़गपुर सीट से पिछली बार विधायक चुने गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से इस्तीफा दे दिया था। करीमपुर के तृणमूल विधायक महुआ मित्रा ने भी कृष्ण नगर संसदीय सीट से जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के सामने इन चुनावों में जहां लोकसभा के प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस इन 3 सीटों को जीतकर अपने पैरों तली खिसकती जमीन को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और माकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इन उपचुनावों में मिलकर लड़ने का फैसला किया है। वाम मोर्चा के हिस्से में खड़गपुर सीट आई है, वहीं कांग्रेस खड़गपुर व कालियागंज सीटों पर लड़ रही है।